जो पंडुआ शरीफ में जो उरस लगता है, पंडुआ शरीफ का जो मेला है वो लगता है, वो हम आपको पूरा मंजर इंशाल्लाह दिखाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ से ज़्यारत कर सकते हैं हज़रत मखदूम अला उल हक पांडवी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ की, और मैं अभी आस्थाने शरीफ के बिल्कुल ही सामने खड़ा हूँ। ये पूरा मेले का जो मंजर है वो आप देख सकते हैं हमारी वीडियो में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जो है दोस्तों, ये उरस है हज़रत मखदूम अला उल हक पांडवी रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह की, और यहाँ पर जो लोग हैं काफ़ी दूर दूर से आते हैं अपनी हाज़िरी, अपना सलाम पेश करने के लिए। आप देख ही सकते हैं हमारी वीडियो में ज़ायरीन का जो तादाद है वो लगातार बढ़ते हुए नज़र आ रहा होगा आपको। इंशाल्लाह अभी हम आगे तक जाएंगे और आपको दिखाएंगे पूरे मेले का मंजर। जो पंडुआ शरीफ में जो उरस लगता है, पंडुआ शरीफ का जो मेला है वो लगता है, वो हम आपको पूरा मंजर इंशाल्लाह दिखाने की कोशिश करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए हज़रुल रहमत चैनल को और इस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हज़रुल, आप देख रहे हज़रुल रहमत चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको ज़ियारत करवाने वाला हूँ हज़रत मखदूम अला उल हक पांडवी रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह शरीफ की। दोस्तों, ये दरगाह शरीफ जो है वो पंडुआ शरीफ में है, और पंडुआ शरीफ जो है वो मालदा में है। दोस्तों, मैंने इससे पहले और भी वीडियो हज़रत मखदूम अला उल हक पांडवी रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह शरीफ का अपलोड किया है हमारे चैनल पर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चाहे तो हमारे चैनल पर जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। और आज हम आपको हज़रत मखदूम अला उल हक पांडवी रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह शरीफ की पूरी ज़ियारत कराएंगे। ये जो है दोस्तों, ये नीर शरीफ है। जैसे कि हमने यहाँ के खुदाम हजरत से मालूम करा है, इस जगह को नीर शरीफ कहते हैं, ये तालाब को नीर शरीफ कहते हैं। ये पानी जो है ये काफ़ी करामती पानी है, ये पानी काफ़ी बीमारियों में काम आता है। और ये है हज़रत मखदूम अला उल हक पांडवी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह, जो कि बारगाह के मैं बिल्कुल ही सामने खड़ा हूँ, आप देख ही सकते हैं। और ये जो है ये मस्जिद है। जैसा कि हमने इससे पहले जो वीडियो अपलोड करा है, ये मस्जिद की भी हमने आपको ज़ियारत कराई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर के वीडियो देख सकते हैं, और या फिर आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है वेबसाइट की। और अभी हम आप यहाँ से देख सकते हैं जो ज़ायरीन के तादाद है, जो हज़रत मखदूम अला उल हक पांडवी रहमतुल्लाह अलैह के उरस मुबारक में हाज़िरी के लिए आते हैं, और काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर हाज़िरी के लिए आते हैं। और अभी हम इस तरफ चलेंगे जहाँ पर लंगर वगैरह बांटा जा रहा है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और दोस्तों, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लीजिए, मैं वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्ट करता रहता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ज़ायरीन हैं वो लंगर लेते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आप देख ही सकते हैं ज़ायरीन की तादाद। और यहाँ पर जो है ज़ायरीनों के लिए लंगर बांटा जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अभी हम इंशाल्लाह इस तरफ चलेंगे। तो जैसे कि दोस्तों, हमने यहाँ के खुदा मज़ार से मालूम करा है, ये जो जितनी भी आपको मज़ारात दिख रही है, जितनी भी आपको ये मज़ारात दिख रही है, ये मज़ारात जो है, ये जैसे कि हमने यहाँ के खुदा मज़ार से मालूम करा है, हमें पता चला है ये जितनी भी मज़ारात हैं, ये सभी मज़ारात जो है हज़रत मखदूम अला उल हक पांडवी रहमतुल्लाह अलैह के आल औलाद में से ही है। ये आप देखिए यहाँ से, ये आपको जितनी भी मज़ारात दिख रही है, हमने यहाँ के जो खुदा मज़ार हैं उनसे मालूम करा है, ये सब जितनी भी आपको मज़ारात दिख रही है, ये सब हज़रत मखदूम अला उल हक पांडवी रहमतुल्लाह अलैह के आल औलाद में से ही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ज़ायरीन हज़रत मखदूम अला उल हक पांडवी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में उरस के मौके पर आते हैं, वो लोग यहाँ पर आके रुकते हैं, अपने सामान खुद लेकर के आते हैं, जो भी खाना पीना बनाने का सामान लगता है। आप इधर देख ही सकते हैं, कुछ लोग अपने घरों से अपना सामान वगैरह लेकर के आते हैं, क्योंकि यहाँ पर रुकते हैं काफ़ी दिनों तक, 2 दिन 3 दिन या उससे ज़्यादा भी रुक सकते हैं, वो उनकी मर्ज़ी के ऊपर की बात है। तो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि लोगों ने यहाँ पर छोटे छोटे गड्ढे बना लिए हैं, उसमें भगोना वगैरह डाल के या फिर ईंट वगैरह से एक चूल्हा टाइप का इन्होंने बना लिया है, और यहाँ पर खाना वगैरह बनाते हैं। और कुछ लोग जो है घर से आते हैं, वो लोग अपना सामान वगैरह लेकर भी आते हैं, जैसे बिस्तर वगैरह हो गया, बर्तन वगैरह हो गया। और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, लोगों ने अपना अपना सामान अपने अपने घरों से लेकर के आए हैं, ताकि यहाँ पर जो बारगाह है हज़रत मखदूम अला उल हक पांडवी रहमतुल्लाह अलैह की, वहाँ पर काफ़ी दिनों तक ये रुक सके, और यहाँ पर रुक करके अपना खाना पीना जो भी है वो बना सके। और पूरे इंतज़ाम के साथ में ये आते हैं, बिस्तर वगैरह सब कुछ लेकर के। और आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर देखिए ये चूल्हा बना हुआ है। तो इसी तरह का जो है
ये जितने भी आपको ज़ायरीन दिख रहे हैं, इन लोगों ने अपना इंतज़ाम करके रखा है। तो इंशाल्लाह अभी हम चलेंगे हज़रत मखदूम अलाउल हक पांडवी रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह की तरफ। जैसा कि हमने आपको यहाँ से हमने आपको ऊपर से दिखाया था हज़रत की बारगाह, और अभी हम इंशाल्लाह नीचे की तरफ चलेंगे और आपको पूरे दरगाह शरीफ की ज़ियारत कराएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं जो हज़रत मखदूम अलाउल हक पांडवी रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में उर्स में हाजिरी जो ज़ायरीन देते हैं, वो लोग यहाँ पर भी रुकते हैं। और इस तरफ जो है, जैसे कि हमने आपको ऊपर से दिखाया था, ये जो है ये नीर शरीफ है। तो अभी हम इस तरफ चलेंगे और यहाँ पर जो ज़ायरीन आते हैं, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, तो ये लोग अपना जो सामान वगैरह है वो सब साथ में लेकर के आते हैं। जैसे कि हमने अभी आपको यहाँ पर दिखाया कि ये लोग अपना सामान वगैरह जो भी है अपने सब साथ में लेकर के आते हैं। और सामान लेके आने की कारण ये होगा, जो सामान लेकर के आते हैं शायद कारण ये होगा कि अपना खाना वगैरह ये यहाँ पर खुद बना लें और पूरे फैमिली परिवार के साथ में आते हैं। ये है दोस्तों बारगाह हज़रत मखदूम अलाउल हक पांडवी रहमतुल्लाह अलैह की, और यहीं पर है मज़ार शरीफ। इंशाल्लाह अभी हम आपको मज़ार शरीफ की ज़ियारत कराएंगे, और इस तरफ से भी है रास्ता, तो हम अभी इस तरफ से जाएंगे। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पर जो ज़ायरीन की तादाद है। और ये जो है दोस्तों जन्नती दरवाज़ा है, इंशाल्लाह अभी हम इस तरफ से चलेंगे, तो अभी हम इधर जाएंगे। आप यहाँ से ज़ियारत कर सकते हैं हज़रत मखदूम अलाउल हक पांडवी रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह की, और इंशाल्लाह अभी हम आपको मज़ार शरीफ की भी ज़ियारत कराएंगे जो इस तरफ से हमें जाना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आप देख ही सकते हैं। तो अभी हम इंशाल्लाह इधर से जाएंगे, और यहाँ पर जो है लोग अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ज़ायरीन उर्स के दौरान आते हैं या फिर सादे दिन में आते हैं, अगरबत्ती वगैरह यहीं पर ही जलाते हैं, देख ही सकते हैं आप। और अभी हम इंशाल्लाह इधर से जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आप देख ही सकते हैं दोस्तों जो ज़ायरीन के तादाद है। अभी हम इधर जाएंगे और आप देख ही सकते हैं जितने भी ज़ायरीन यहाँ पर आए हुए हैं, अभी सभी हज़रत मखदूम अलाउल हक पांडवी रहमतुल्लाह अलैह से अपनी दुआएं, अपने मुरादे, अपनी दरख्वास्त हज़रत मखदूम अलाउल हक पांडवी रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में पेश कर रहे हैं। और अभी हम बिल्कुल मज़ार शरीफ के सामने ही खड़े हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आप यहाँ से ज़ियारत कर सकते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैकुम, सुभान अल्लाह। तो दोस्तों अभी हमने आपको ज़ियारत करा दिया है जो हज़रत मखदूम अलाउल हक पांडवी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार शरीफ है, वो हमने आपको मज़ार शरीफ की ज़ियारत करा दिया है। और अभी आप इस तरफ देख सकते हैं ज़ायरीन के तादाद। दोस्तों अभी हमने आपको ज़ियारत करा दिया है हज़रत मखदूम अलाउल हक पांडवी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ की, और अभी हम लोग इस तरफ आ चुके हैं। और ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, इस पेड़ में मन्नत के धागे बांधे जाते हैं, और अभी हम आगे की तरफ चलेंगे और इंशाल्लाह हम अभी आपको आगे की दरगाह शरीफ की ज़ियारत कराएंगे जो इधर का हिस्सा है। और जैसा कि दोस्तों ये जो आप मस्जिद देख रहे हैं, जैसा कि हमने मालूम करा है यहाँ के खुदाम हज़रात से, ये जो मस्जिद है, इस मस्जिद का नाम जो है वो औलिया मस्जिद है। इस मस्जिद का नाम जो है, ये मस्जिद औलिया मस्जिद के नाम से जाना जाता है। जो यहाँ के खुदाम हज़रात हैं, हमने उनसे मालूम कराया, उन्होंने हमें बताया था कि ये मस्जिद जो है ये औलिया मस्जिद है। और इंशाल्लाह अभी हम इस तरफ चलेंगे। और ये जो बारगाह है दोस्तों, हज़रत शेख नूर कुतुबुल आलम रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह है, और आप हमारे वीडियो के ज़रिए से ज़ियारत कर सकते हैं। और देख ही सकते हैं आप ज़ायरीन अपने अपने मन की मुरादें, अपनी अपनी दुआएं हज़रत की बारगाह में पेश कर रहे हैं, और यहाँ पर लोग फूल, चादर, इत्र, गुलाब के जल पेश करते हैं और अपनी दुआएं, अपनी मुरादें हज़रत की बारगाह में पेश करते हैं। और अभी हम आगे की तरफ चलेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आप देख ही सकते हैं। और ये जो बारगाह है, जैसा कि हमने आपको वहाँ से बताया है कि ये जितने भी मज़ारात हैं, ये सभी हज़रत मखदूम अलाउल हक पांडवी रहमतुल्लाह अलैह के आल औलाद में से ही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अभी हम इस तरफ चलेंगे।
और ये जो आप देख रहे हैं ये जन्नती दरवाज़ा है। और जैसा कि हमने यहाँ के खुदाम हजरत से मालूम करा है, ये जन्नती दरवाज़ा जो है साल में 6 दफ़ा खुलता है। तो चलिए अभी हम आगे की तरफ चलेंगे। सुभान अल्लाह। अभी हम इस तरफ चलेंगे। सुभान अल्लाह। अभी हमने उस तरफ से आपको जन्नती दरवाज़ा दिखाया और ये इस तरफ का हिस्सा है। और ये जन्नती दरवाज़ा जो है वो साल में 6 दफ़ा खुलता है। जैसा कि हमने यहाँ के खुदाम हजरात से मालूम करा है, हमें पता चला है कि ये दरवाज़ा साल में 6 दफ़ा खुलता है। तो आइए अभी हम इस तरफ चलेंगे। सुभान अल्लाह। दोस्तों आप देख ही सकते हैं हज़रत मखदूम अलाउल हक पांडवी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक का नज़ारा, और काफ़ी ख़ूबसूरत नज़ारा है, आप देख ही सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं ज़ायरीन की तादाद हज़रत मखदूम अलाउल हक पांडवी रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में उर्स के मौके पर ये ज़ायरीन अपनी हाज़िरी पेश कर रहे हैं। और आप हमारी वीडियो के ज़रिए से ज़ियारत कर सकते हैं हज़रत मखदूम अलाउल हक पांडवी रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह की। दोस्तों हमने ये वीडियो बनाना शुरू करा था लगभग शाम के 4:30 बजे और अभी बज रहे हैं शाम के 7। तो अभी आप देख सकते हैं काफ़ी ख़ूबसूरत अभी का नज़ारा है हज़रत मखदूम अलाउल हक पांडवी रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह का। जो गुम्बद शरीफ है वो लाइट में किस तरह से जगमगा रहा है, आप देख ही सकते हैं। तो आइए अभी हम चलते हैं नीचे की तरफ, और अभी हम इस तरफ चलेंगे। सुभान अल्लाह। यहाँ है दोस्तों हज़रत मखदूम अलाउल हक पांडवी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार शरीफ, और इंशाल्लाह अभी हम इस तरफ जाएंगे और हम आपको अभी आगे से हज़रत मखदूम अलाउल हक पांडवी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ की ज़ियारत कराएंगे। अभी इस तरफ जाएंगे हम। आप देख सकते हैं जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक हमें सिर्फ ज़ायरीन ही ज़ायरीन नज़र आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। आप यहाँ से ज़ियारत कर सकते हैं हज़रत मखदूम अलाउल हक पांडवी रहमतुल्लाह अलैह के गुम्बद शरीफ की, और इंशाल्लाह अभी हम इस तरफ जाएंगे और हम आपको मज़ार मुबारक की ज़ियारत कराएंगे। सुभान अल्लाह। और जैसा कि हमने आपको वीडियो में आगे बताया था कि जितने भी ज़ायरीन आते हैं बारगाह में ज़ियारत के लिए वो अपने अगरबत्ती वगैरह यहीं पर ही जलाते हैं। और भी है जगह बनी हुई जो कुछ लोग उस तरफ भी जलाते हैं और कुछ लोग यहाँ पर भी जलाते हैं। तो आप यहाँ से नज़ारा देख सकते हैं गुम्बद शरीफ का, जो काफ़ी ख़ूबसूरत नज़ारा है। सुभान अल्लाह। जो जितने भी ज़ायरीन हैं अपनी दुआएं, इल्तिजाएं, जो भी अपनी मन की मुरादें लेकर के आए हैं वो हज़रत मखदूम अलाउल हक पांडवी रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में अपनी अपनी दुआएं पेश कर रहे हैं, आप देख ही सकते हैं हमारी वीडियो में। और अभी हम इंशाल्लाह चलेंगे आगे की तरफ। तो दोस्तों आप लोग यहां से ज़ियारत कर सकते हैं हज़रत मखदूम अलाउल हक पांडवी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ की, और मैं अभी आस्थाने शरीफ के बिल्कुल ही सामने खड़ा हूं। आप लोग यहां से मज़ार मुबारक की आप ज़ियारत कर सकते हैं। सुभान अल्लाह। आप देख सकते हैं काफ़ी ख़ूबसूरत मंज़र है, और जितने भी हज़रत मखदूम अलाउल हक पांडवी रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वाले हैं वो अपनी अपनी हाज़िरी, अपना अपना सलाम हज़रत की बारगाह में पेश कर रहे हैं। आप देख ही सकते हैं चादर मुबारक पेश कर रहे हैं, जो हज़रत मखदूम अलाउल हक पांडवी रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वाले हज़रत के लिए लेकर के आए हैं वो पेश कर रहे हैं। आप देख ही सकते हैं वीडियो में। सुभान अल्लाह। आप देख सकते हैं जो ज़ायरीन ज़ियारत करके निकल रहे हैं, और कुछ लोग
उस तरफ से आ रहे हैं और जो लोग हैं वो इस तरफ से निकल रहे हैं, अपनी अपनी हाज़िरी, अपना अपना सलाम पेश करके अपनी दुआएं, अपनी इल्तिजाएं हज़रत मखदूम अलाउल हक पांडवी रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में पेश करके ज़ायरीन इस तरफ से निकल रहे हैं और उधर से लोग ज़ियारत के लिए आ रहे हैं। जो सामने आपको गेट दिख रहा है उसी गेट से लोग ज़ियारत के लिए आ रहे हैं और ज़ियारत करने के बाद जितने भी ज़ायरीन हैं, जो लोग ज़ियारत कर लिए हैं वो इस तरफ से निकल रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो आइए अभी हम इंशाल्लाह इस तरफ चलेंगे और इस तरफ से भी आपको इस तरफ का नज़ारा जो है वो हम आपको दिखाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चलिए अब हम लोग बाहर की तरफ चलेंगे और आपको बाहर का नज़ारा दिखाएंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग दरगाह शरीफ से बाहर की तरफ जा रहे हैं और अभी हम आपको जो दरगाह शरीफ के बाहर का नज़ारा है वो भी हम आपको दिखाएंगे। और रात के वक्त जो नज़ारा है वो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा हो जाता है। जो दरगाह शरीफ के जो बाहर का नज़ारा है वो रात के वक्त काफ़ी खूबसूरत हो जाता है और इंशाल्लाह अभी हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। और अभी हम चल रहे हैं बाहर की तरफ और आप देख सकते हैं जो पब्लिक है वो हज़रत मखदूम अलाउल हक पांडवी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाज़िरी के लिए आ रहे हैं और जो ज़ायरीन हैं वो आप देख सकते हैं हज़रत मखदूम अलाउल हक पांडवी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाज़िरी के लिए आ रहे हैं। और इंशाल्लाह अभी हम चलेंगे बाहर की तरफ और आपको बाहर का नज़ारा दिखाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप ये जितने भी दुकानें देख रहे हैं ये सभी दुकानें जो दरगाह शरीफ का एक गेट है, अभी मैं आपको वो गेट दिखाऊंगा, वो गेट के अंदर ही है सारी दुकानें। दोस्तों अभी हम लोग दरगाह शरीफ से बाहर आ चुके हैं और ये जो आप गेट देख रहे हैं ये दरगाह शरीफ का गेट है और इसी गेट से लोग हज़रत मखदूम अलाउल हक पांडवी रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह की ज़ियारत के लिए जाते हैं। और अभी हम इस तरफ जाएंगे और इंशाल्लाह जो दरगाह शरीफ के बाहर का नज़ारा है वो हम आपको इस वीडियो में पूरा दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों जो हज़रत मखदूम अलाउल हक पांडवी रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वाले हैं वो लगातार हज़रत की बारगाह की ज़ियारत के लिए आ रहे हैं और आप देख ही सकते हैं जो काफ़ी खूबसूरत मंज़र यहाँ का है, नज़ारा आप देख ही सकते हैं। इस तरफ देखिए दुकान ही दुकान लगी हुई है और इस तरफ भी दुकान ही दुकान लगी हुई है। आप देख सकते हैं मंज़र जो है ये काफ़ी खूबसूरत मंज़र लग रहा है और अभी इंशाल्लाह हम आपको ये पूरा का पूरा जो नज़ारा है हम आपको दिखाएंगे, जो आगे तक जहाँ तक दुकानें लगी हुई है इंशाल्लाह इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। तो अभी हम आगे की तरफ चल रहे हैं और आपको हम लगातार वीडियो मैं आपको दिखाते रहेंगे कि ये दुकानें जो है कहाँ तक लग रही है और इंशाल्लाह लास्ट तक हम लोग जाएंगे जहाँ तक ये दुकानें लगी हुई है, इस तरह की जो दुकानें लगी हुई है जहाँ तक, और इंशाल्लाह हम आप वहाँ तक पहुँचेंगे और आपको बताएंगे और हम भी देखेंगे कि ये जो दुकानें हैं कहाँ तक लगी हुई है। तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं जो ज़ायरीन है लगातार आ रहे हैं बारगाह की ज़ियारत के लिए लोग आ रहे हैं और अपने दिलों में काफ़ी सारी मन्नतें मुरादें लेकर के हज़रत मखदूम अलाउल हक पांडवी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे दुकानों का मंजर जो है वो काफ़ी खूबसूरत मंजर है, लोग ख़रीदारी के लिए किस तरह से घूम रहे हैं और लोग ज़ियारत के लिए भी जा रहे हैं। आप देख ही सकते हैं जो मंजर है काफ़ी खूबसूरत मंजर यहाँ का अभी इस वक्त का है, आप देख ही सकते हैं हमारी वीडियो में। और इंशाल्लाह अभी हम आगे तक जाएंगे और आपको बताएंगे कि ये दुकानें जो है ये कहाँ तक लगी हुई है और ये मंज़र जो है काफ़ी खूबसूरत मंज़र हो जाता है। आप देख ही सकते हैं मेरे पीछे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और यहाँ पर देख सकते हैं जो बच्चे हैं कुछ खेल रहे हैं और इस तरफ जो है मिठाइयों का इंतज़ाम है। दरअसल ये जो है ये है सोन हलवा, इसे सोन हलवा कहते हैं और देख सकते हैं यहाँ पर हर तरह की मिठाई भी मिल रही है और इंशाल्लाह अभी हम इस तरफ चलेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मिठाइयों का पहाड़ दिख रहा है काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, आप देख सकते हैं हमारी वीडियो में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आप देखिए क्या धूम मची है, माशाल्लाह माशाल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप देख सकते हैं दोस्तों जो ज़ायरीन है लगातार आ रहे हैं हज़रत मखदूम अलाउल हक पांडवी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में और अपनी हाज़िरी अपना सलाम पेश कर रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और यहाँ पर जो दोस्तों आप दुकान देख रहे हैं ये दुकान जो है यहाँ पर दस्तरखान वगैरह मिल रहा है और
पन्नी वगैरह मिल रहा है। ये पन्नी जो है ज़ायरीन ख़रीदते हैं और जो लोग बिस्तर वगैरह तो लेकर के आते हैं लेकिन जिनके पास चटाई वगैरह बिछाने के लिए नहीं होता है तो वो लोग पन्नी ख़रीदते हैं ताकि उनके बिस्तर ख़राब ना हो और उनकी मिट्टी वगैरह ना लगे, इसलिए यहाँ पर ऐसे पन्नी वगैरह भी बिकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये दस्तरखान है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और अभी हम इंशाल्लाह आगे की तरफ चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिल रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छी अच्छी टोपियाँ मिल रही है। चलिए हम आगे की तरफ चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर और क्या क्या चीज़ मिल रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत टोपियाँ यहाँ पर मिल रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप देख सकते हैं ज़ायरीनों का हुजूम हज़रत मखदूम अलाउल हक पांडवी रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में आ रहे हैं लोग लगातार और अपनी हाज़िरी अपना सलाम पेश करने के लिए अपनी दुआएं अपनी मुरादें जो भी तमन्नाएं ले लेकर आ रहे हैं सब हज़रत मखदूम अलाउल हक पांडवी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पेश करेंगे। जितने भी ज़ायरीन हैं ये सभी जा रहे हैं हज़रत मखदूम अलाउल हक पांडवी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाज़िरी देने के लिए और अपनी दुआएं अपना सलाम और जो भी इनके दिलों में मन की मुरादें हैं मन्नतें हैं ये सभी अपनी अपनी मन की मुरादें मन्नतें अपनी दुआएं अपना सलाम लेकर जा रहे हैं हज़रत मखदूम अलाउल हक पांडवी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में। आप देख सकते हैं जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है मुझे वहाँ तक सिर्फ ज़ायरीनों का हुजूम नज़र आ रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो दोस्तों अभी हम चलेंगे इंशाल्लाह और आपको आगे तक दिखाएंगे। ये पूरा मेले का जो मंजर है वो आप देख सकते हैं हमारी वीडियो में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये जो है दोस्तों ये उरस है हज़रत मखदूम अलाउल हक पांडवी रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह की और यहाँ पर जो लोग हैं काफ़ी दूर दूर से आते हैं अपनी हाज़िरी अपना सलाम पेश करने के लिए। आप देख ही सकते हैं हमारी वीडियो में ज़ायरीन का जो तादाद है वो लगातार बढ़ते हुए नज़र आ रहा होगा आपको। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप देख ही सकते हैं काफ़ी खूबसूरत मंजर है यहाँ का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इंशाल्लाह अभी हम आगे तक जाएंगे और आपको दिखाएंगे पूरे मेले का मंजर। जो पंडुआ शरीफ में जो उरस लगता है पंडुआ शरीफ का जो मेला है वो लगता है वो हम आपको पूरा मंजर इंशाल्लाह दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देख ही सकते हैं यहाँ पे ये जो मंजर है ये काफ़ी खूबसूरत मंजर है हज़रत मखदूम अलाउल हक पांडवी रहमतुल्लाह अलैह के उरस का मंजर है ये। आप देख ही सकते हैं हमारी वीडियो में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ज़ायरीन जो है लगातार आ रहे हैं ज़ायरीन लगातार आ रहे हैं अपनी हाज़िरी अपना सलाम हज़रत मखदूम अलाउल हक पांडवी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पेश कर रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप देख ही सकते हैं दोस्तों हमारी वीडियो में ज़ायरीनों का जो हुजूम है वो लगातार बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो दुकानें हैं काफ़ी तरह तरह की दुकानें हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप देख सकते हैं लोगों का जो तादाद है लोगों का जो हुजूम है हज़रत मखदूम अलाउल हक पांडवी रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में ये जितने भी लोग हैं अपनी हाज़िरी अपना सलाम पेश करने जा रहे हैं और कुछ लोग जो हैं वो ज़ियारत करके लौट रहे हैं। और इंशाल्लाह अभी हम आगे की तरफ जाएंगे और आगे तक आपको दिखाएंगे ये जो दुकानें हैं ये दुकानें कहाँ तक लगी हुई हैं। तो अभी हम आगे चल रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्तों आप देख सकते हैं जो मार्केट का मंज़र है वो काफ़ी खूबसूरत मंज़र है और इंशाल्लाह हम अभी लगातार चल रहे हैं। ये जितनी भी दुकानें हैं काफ़ी दूर तक लगी हुई है और इंशाल्लाह हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे ये जो दुकानें हैं कहाँ तक लगी हुई है। जैसा कि हमने यहाँ के लोगों से मालूम करा है हमें पता चला है ये आपको जितनी भी दुकानें दिख रही है इसमें से ज़्यादातर जो दुकानें हैं वो मेले के दौरान ही लगाई जाती है। और आप देख ही सकते हैं जो दुकानें हैं वो काफ़ी खूबसूरत तरीके से सजी हुई है। और इंशाल्लाह अभी हम चलेंगे आगे की तरफ और आपको बताएंगे कि ये जो दुकानें हैं ये कहां तक लगी हुई है।
सुभान अल्लाह। आप देख ही सकते हैं दोस्तों, मंज़र जो है वो काफ़ी खूबसूरत मंज़र है और ज़ायरीन जो है लगातार आ रहे हैं हज़रत मखदूम अलाउल हक पांडवी रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में हाज़िरी देने के लिए। आप देख ही सकते हैं हमारे कैमरे में, और कुछ लोग जो हैं ज़ियारत करके जा रहे हैं, और इंशाल्लाह अभी हम आगे की तरफ चलेंगे और आपको बताएंगे ये जो दुकानें हैं ये दुकानें कहाँ तक लगी हुई है। तो दोस्तों ये जो है ये बड़ी दरगाह है, मैंने यहाँ का वीडियो बनाया है और हमारे चैनल पर मैंने अपलोड कर दिया है, आप चाहे तो हमारे चैनल पर जाकर के वीडियो देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी यहाँ पर भी दुकानें लगी हुई हैं, और अभी हम इधर चलेंगे। तो दोस्तों हम लोग जो है वो पहुँच चुके हैं रोड के बिल्कुल ही पास में, और दुकानें जो है ये पूरी रोड के बिल्कुल ही पास तलक लगी हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आपको सामने दिख रहा है ये रोड है, ये जो लाइट है ये रोड के बिल्कुल ही पास में लगी हुई है, और आप देख सकते हैं कि बस जा रही है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दोस्तों जो ज़ायरीन हैं, कुछ ज़ायरीन ज़ियारत करके जा रहे हैं और कुछ ज़ायरीन ज़ियारत के लिए आ रहे हैं। दोस्तों मैंने आपको ज़ियारत करा दिया हज़रत मखदूम अलाउल हक पांडवी रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह शरीफ की, और दोस्तों मैंने आपको जो मेले का जो नज़ारा है, जो उरस की जो खूबसूरती है वो भी मैंने आपको दिखा दिया है, जो रात को और जो रात का जो मंज़र होता है वो भी मैंने आपको पूरा दिखा दिया है, और कितनी सारी दुकानें लगती है वो सभी मैंने आपको इस वीडियो में दिखा दिया है। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको हमारी पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, वीडियो के बारे में कुछ बोलना है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी जानकारी पहुँचे आप तक सबसे पहले। दोस्तों अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, मैं वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्ट करता रहता हूँ। और दोस्तों अगर आप हमारी ऐसी ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है, आप चाहे तो हमारी वेबसाइट पर जाकर हमारी और भी ऐसी ही वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट स्टॉप में, जब तक के लिए बाय बाय।